नैना देवी क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से ही ज्ञात हुआ है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज यानी कि 20 फरवरी को नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की सौगात देने आ रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनावों को निकट देखकर इस तरह की कारगुजारी भाजपा द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों का उद्घाटन होना है वे उन्होंने कांग्रेस समय में डाली थी जब वे चेयरमैन थे। उन्होंने बताया कि इन सभी सड़कों की वन विभाग से स्वीकृति भी उन्होंने ही करवाई है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुखर दियोड़ जामली सड़क पर 14 करोड़ रुपए व्यय होने हैं जो कांग्रेस कार्यकाल में ही स्वीकृत हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जो भी सड़कें मुख्यमंत्री से उद्घाटित करवाई जा रही हैं सब पुरानी हैं और उनके लिए कांग्रेस कार्यकाल में उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। रामलाल ठाकुर ने हमीरपुर के सांसद से प्रश्न किया कि इन सड़कों के बारे में इतना बता दें कि उन्होंने एक भी पत्र क्या इनके बारे में लिखा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि जहां तक जुखाला के 33 केवी विद्युत सबस्टेशन की बात है, इसको स्वीकृत करवाने के लिए उन्हें 2 साल लग गए और ये सिर्फ इसलिए रोका गया कि केंद्र में सरकार बनते ही राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया, इस कारण इसकी स्वीकृति में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि बस्सी पंचायत में जो सोलर एनर्जी प्लांट लगा है उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि जिस निजी कंपनी द्वारा ये सोलर प्लांट लगाया जा रहा है उस कंपनी को कहा गया है कि स्थानीय विधायक को ना बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन है जो सहन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसलिए वे इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं तो बिलासपुर के लिए इतना बताएं कि विस्थापितों के लिए इस सरकार ने क्या किया। वहीं जहां तक एम्स की बात है तो शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है और उसके बाद भूमि पूजन जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री ने किया है, लेकिन वास्तव में बिलासपुर के लिए ना तो पर्यटन की कोई योजना बनाई गई है और ना ही कोई अन्य कार्य बिलासपुर में किए जा रहे हैं जो कि उचित नहीं है। और उस कार्यक्रम में उन स्कीमों के कार्यक्रम रखे गए हैं जो मौजूदा सरकार ने अपने लेवल पे कुछ भी नहीं किया है। अगर देखा जाए कि ये जो सड़क जिसके वो भूमि पूजन करने आ रहे हैं, ये वो सड़क है जिससे जिसके लिए मैं पिछले कई वर्षों से जो है उसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डालने के मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ये फैसला किया कि दिसंबर महीने तक जो है वो लास्ट स्कीमें जाएगी, उसके बाद जो है दिसंबर के बाद कोई भी स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं पड़ेगी। मुझे ये कहना है क्योंकि हमने इसको डाल रखा था तो इसलिए क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि चुनाव के समय में इस स्कीम को बंद नहीं करना है तो हमारी ये पहली स्कीम जो मैंने दे रखी थी वो सैंक्शन होकर 14 करोड़ की आई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी उसने भी कुछ नहीं किया था और आज की सरकार ने भी कुछ नहीं किया कि इन्होंने कोई भी DPR तैयार अपने समय में नहीं करी। ये सारे जो प्रयास हैं ये कांग्रेस पार्टी के और व्यक्तिगत मैं कहूँगा मैंने ये किए थे। यहाँ पे 33 KV सब स्टेशन की बात है जुखाड़ा की, ये 33 KV सब स्टेशन है, हमने जो है वो लोड की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार के टाइम में उसकी हमने जो है वो ये कार्यक्रम आगे चलाया और ये जो वर्किंग प्लान है उसमें हमने उसको डाला था और मुझे खुशी है कि वो वर्किंग प्लान जो है वो उसके मुताबिक इस साल में जो है वो 33 KV का सब स्टेशन बनेगा। और साथ में बाकी निचले एरिए की बात है उसमें वो सड़कें हैं जो बड़े 5-6 सालों से जिसका काम चला हुआ है, वो उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी काम चले और आज जो है वो सड़क पूरी होने वाली है जिसके ऊपर जो है वो मेंबर पार्लियामेंट भी श्रेय लेना चाह रहा है और यहाँ के जो पूर्व विधायक है वो भी श्रेय लेना चाहता है, लेकिन लोगों को मालूम है कहाँ पर क्या होना है। बाकी एक जो है वो सोलर एनर्जी का एक यूनिट लगा है हमारा बस्सी के पास, वो मैं कहूँगा पिछली सरकार के टाइम में शुरू हुआ था, इस सरकार के टाइम में वो पूरा हुआ है और ये सोलर एनर्जी का कार्यक्रम जो है उसके उद्घाटन कर रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि जिस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट लगाया है उसने लोगों की पेमेंट नहीं करी और हमने उनको जो पेमेंट करने के लिए कहा तो उसमें गुस्से में आके उन्होंने हमें उसके लिए इन्वाइट तक नहीं किया है। ये संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की। बाकी पुलिस बटालियन के कार्यक्रम है वो साधारण कार्यक्रम है,
मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि कृपया करके एक बात की जाए कि जो बिलासपुर की समस्याएं हैं, भाखड़ा विस्थापितों की है, और जो हमारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे चले हैं, उनको किस ढंग से जल्दी पूरा किया जाए, ये जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन आप जो है वो पूरी संस्कृति को खराब करना चाह रहे हैं, और आप बिलासपुर के लोगों के जो हित है उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप RSS के कार्यक्रम में आप सारा दिन लगा रहे हैं, वो आपकी अपनी सोच है, आप उसमें आप व्यस्त हैं, पर फिर भी क्योंकि आप बिलासपुर में आए तो छोटे भाई के नाते मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप छोटे भाई हमारे। लेकिन कृपया करके ये जो छोटी मोटी बातें हैं, जो मैं कहूँगा कि राजनीतिक खुन्नस की वजह से जो कुछ लोग काम करते हैं, वो काइंडली उनके ऊपर थोड़ा सा जो है वो अंकुश लगाएं। एच टुडे के लिए बिलासपुर से जम्वाल की रिपोर्ट।